हाय गाइस, मैं हूँ मोहक मीत। आप सभी का मोहक मीत वाइन चैनल में स्वागत है। आज मैं करने वाला हूँ 24 आवर्स मैंगो चैलेंज। आज पूरा दिन मैं सिर्फ मैंगो मैंगो और सिर्फ मैंगो ही खाऊंगा। मुझे तो मैंगो बहुत पसंद है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट्स है। देखते हैं किस चैलेंज को मैं कितनी इजीली कंप्लीट कर पाता हूँ। सो लेट्स गो, 24 आवर्स मैंगो चैलेंज को शुरू करते हैं। बजे हैं सुबह के 10 और अब मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। मैंने मैंगोस को अपने फेवरेट स्टाइल में पील किया है और कट किया है। यम्मी। किस किस को मैंगोज इस तरह से खाना पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कर लिया पूरा सफा चट। ऐसे ही नहीं, मैंगो को फ्रूट्स का राजा बोला जाता। ये इतना टेस्टी जो होता है इसलिए से फ्रूट्स का राजा बोला जाता है। तो अब मैं दूसरे मैंगो पे टूट पड़ता हूँ। माफ़ करना, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपना पूरा मुंह ख़राब कर लिया, मैं किस तरह से खा रहा हूँ, लेकिन मैंगोज़ को इसी तरह से खाने में मज़ा आता है। गाइज, जब तक मैं मैंगो का मज़ा ले रहा हूँ, फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मैंगो को देसी तरीके से खाओ तो ही मजा आता है भाई। गाइस, लंच टाइम बस होने ही वाला है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने ब्रेकफास्ट में मैंगोस को एकदम देसी स्टाइल में खाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लंच में मैं मैंगोस को किस स्टाइल में खाऊं। खाऊं कि पीऊं, पीऊं कि खाऊं। लंच टाइम में मिलते हैं। गाइस, बज गए हैं दोपहर के 1:30 और मैं लंच में पी रहा हूं मैंगो शेक। मैंने दो बड़े बड़े मैंगोस खाए थे तो मेरा पेट तो एकदम फुल है। तो ये हेल्दी भी है और ज्यादा हैवी भी है, तो मुझे लगता है कि ये लंच के लिए एकदम परफेक्ट है, मैंगो शेक। लाजवाब, यमी। ये समर के लिए बेस्ट है, इसे आप जरूर ट्राई करें, मैंगो शेक। वैसे मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये मैंगो शेक मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है। गाइज, ब्रेकफास्ट और लंच में जो मैंने मैंगोस खाए हैं ना, उससे मैं यहाँ तक फुल हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं मैंगोस से बिल्कुल भी नहीं पका, क्योंकि मुझे मैंगोस बहुत पसंद है। आपको तो पता है ना, मैंगोस साल में कुछ ही महीनों के लिए आता है, तो मैंगोस को दबाकर खाओ ना। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इवनिंग स्नैक के लिए मैं मैंगो को एक अलग रूप में खाऊं। गाइज, बज गए हैं शाम के 5, अब है इवनिंग स्नैक का टाइम, तो मैं खाने वाला हूँ मैंगो आइसक्रीम। जैसे कि आपको पता है, वाटरमेलन चैलेंज में मुझे वाटरमेलन आइसक्रीम तो मिली नहीं थी, तो मैंने सोचा फटाफट से जाके पहले मैं मैंगो आइसक्रीम लेकर आ जाता हूँ, ताकि मुझे मैंगोस की वैरायटी भी मिल जाए और मेरा मैंगो चैलेंज अच्छे से हो जाए। यम्मी, बिल्कुल मैंगो का टेस्ट आ रहा है और बहुत ही टेस्टी है।
लव इट। आप मैंगो के कितने बड़े दीवाने हैं, आपको मैंगो कितने पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने ब्रेकफास्ट में भी बड़े बड़े मैंगोज खाए थे, लंच में मैंने हैवी मैंगो शेक पिया, और अभी मैं खा रहा हूँ ये आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, ये भी बहुत हैवी है। तो पूरा दिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए, मैंगो को एक और बार खा लेता हूँ ताकि मेरी भूख कम हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जितने भी टाइम आपको खाकर दिखाया है उसी टाइम ही मैंने मैंगो खाया है, और वो बहुत हैवी था, और अच्छा हुआ कि मैंने ये वाला चैलेंज चुना, और दिस इज़ द बेस्ट। पेट बिल्कुल फुल हो चुका है, तो इसके साथ होता है मेरा इवनिंग स्नैक का मैंगो चैलेंज कंप्लीट। मैंने अपने लिए ऑर्डर की है मैंगो आइसक्रीम, और मैं देख रहा हूँ कि मैंगो को मैं किस तरह से चॉप कर सकता हूँ कि वो एकदम दिखने में अलग लगे और स्टाइलिश लगे। तो इसलिए डिनर में मैं मैंगोज़ को एकदम अलग तरह से अपने आप को सर्व करके खिलाने वाला हूँ, और साथ ही साथ में टेस्टी मैंगो आइसक्रीम खाने वाला हूँ। गाइस फाइनली हो गया है डिनर टाइम, और डिनर में मैं खा रहा हूं डाइस्ड किए हुए मैंगोज विद मैंगो आइसक्रीम। सच्ची बताऊं तो पूरा दिन मैं मैंगो खा खा कर बिल्कुल नहीं पका, बल्कि मुझे बहुत मजा आया। एक तो जितने भी मैंने मैंगोज काटे ना, सारे एकदम मस्त मजेदार, एकदम मीठे। आपने तो देखा ही होगा कैटरीना कैफ की ऐड में, वो इस तरह से मैंगो काट के खाती है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी अपनी वीडियो के लिए इस तरह से मैंगो काटूं और खाऊं। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन के नंबर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने अच्छा प्रेजेंटेशन करके लेके आऊँ। मुझे बुरा लगता है कि मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट कुछ टाइम के लिए ही आता है, और इसका फिर वेट अगले साल तक करते रहो, इसलिए जब भी मैंगोज आते हैं ना मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, खप 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 करके सारे खा देता हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे हो, आप भी मुझे बताएं कि आप मैंगो को किस तरह से खाते हैं, मेरी तरह देसी स्टाइल में कि स्पून के साथ। ये मैंने इस आम का काम तमाम कर दिया है, अब हम आते हैं मैंगो आइसक्रीम की ओर। ये थोड़ी सी पिघल गई है तो और भी ज्यादा टेस्टी लग रही है, यमी। मेरे पास स्वीट डिश भी हो गई, मैंगो भी खा लिया, वैसे भी वो भी स्वीट था, लेकिन ये भी स्वीट डिश हो गया। सच कहूं दोस्तों, मैंने आज दाल चावल सब्जी रोटी को बिल्कुल भी मिस नहीं किया, ये पूरा दिन मैंने मैंगो जो खाए इसको खाकर भी मज़ा आ गया सच में। जैसे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि वाटरमेलन चैलेंज भी मुझे खाकर और कर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, उसी तरह से मैंगो चैलेंज भी बहुत मज़ेदार है। आई लव यू मैंगोज। हाय गाइस, तो ये था हमारा 24 आवर्स मैंगो चैलेंज, आई होप आपको पसंद आया हो। हमारा नेक्स्ट चैलेंज कौन सा होना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करें। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे 2 PM, क्योंकि मोहक मीत वाइंस की वीडियो आती है एवरी ट्यूसडे दोपहर 2 बजे। तो फटाफट से मोहक मीत वाइंस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। अभी आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे @mohakmeet और फेसबुक @mohakmeetofficial। सो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें। सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीक,
सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट वाइंस नाउ।